नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा अनुमंडल के चिरकुंडा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर थाना प्रभारी सुनील सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में निरसा SDPO एगारकुंड BDO नगर परिषद चिरकुंडा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र के अखाड़ा जुलूस के लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी समिति के सदस्य मौजूद रहे। पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, जिसको लेकर समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि ताजिया जुलूस निकलने के समय सभी चौक चौराहों पर जुलूस के दौरान पुलिस की व्यवस्था हो, लाइट और साफ सफाई की व्यवस्था हो, शराबियों पर कड़ी नजर रखी जाए। बैठक में कहा गया कि अखाड़ा जुलूस के साथ DJ प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान मेडिकल कैंप हो, जुलूस में किसी प्रकार का आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ खेला ना हो, सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश बंद रखा जाए। वहीं थाना प्रभारी सुनील सिंह ने सभी अखाड़ा के सदस्यों को शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से पर्व संपन्न कराने की बात कही। साथ ही जुलूस के सदस्यों का सूची बनाने के साथ एक निर्धारित समय से जुलूस निकालने की बात को कहा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से बचे, साथ ही किसी भी प्रकार की कोई आवश्यक मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। पानी भी सुचारू रूप से चलेगी, ब्लीचिंग भी छिड़का होगा और जो जहाँ नगर परिषद का संसाधन का दरकार पड़ेगा हम निश्चित ब्लीचिंग का भी छिड़काव होगा। और हम चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से कभी सभी लोग चिरकुंडा वासी, प्रदेशवासी मुहर्रम समय अगर कोई ऐसा परिस्थिति हो जाता है तो कोई उससे ना मुकरे कि मैं नहीं था, ये था, शांतिपूर्वक अपना पर्व त्यौहार मनाना है। सर, जैसे कि बैठक में बताया कि अन्य राज्य से भी यहाँ पे लोग आते हैं मुहर्रम पर्व में जुलूस खेलने के लिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? सबके लिए है कि जहाँ भी जुलूस साथ में है वहाँ पर हम लोग के पदाधिकारी रहेंगे साथ में और अच्छे पूर्वक उन लोग का जुलूस अपने निर्धारित रास्ते से जहाँ पर उन लोग का समापन करना है वहाँ तक जाएंगे। नियम रखी गई है क्या? अभी तो कुछ डायरेक्शन नहीं आया है, यदि डायरेक्शन आएगा तो उसको हम लोग पास करेंगे, उनको बताएंगे मीडिया के माध्यम से। और ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, काफ़ी संख्या में जुलूस लोग निकालते हैं, उसको लेकर के उन्होंने शांति समिति बैठक में डायरेक्शन दिया है और जो रूल है, जो लाइसेंस के निर्धारित है, उसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया वगैरह है उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि हम लोग अच्छे से जैसे कि बैठक में लोगों ने सर बताया कि बिजली विभाग के द्वारा कोई भी अधिकारी नहीं आते, इतने अधिकारी रहते हैं, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।